गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने आपको फंजाई जगत के लक्षणों पर आपसे चर्चा की। आपको हमने बताया है कि फंजाई जगत के जो जीव होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, उनके अंदर कोशिका यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। मैंने आपको बताया है कि फंजाई जगत के जीवों में कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन और पॉलीसेकेराइडों से मिलकर के बनी होती है। काइटिन और किससे बनी होती है? पॉलीसेकेराइडों से मिलकर के क्या होती है? बनी होती है। क्लियर बात? देखिए, हमने आपको बताया है कि जो फंजाई जगत के जीव होते हैं उनमें क्लोरोफिल का क्या होता है? अभाव होता है, पर्णहरित नहीं पाया जाता है, लवकों का अभाव होता है। जब इनमें लवक नहीं पाए जाते हैं तो इनमें कवकों के अंदर क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो ये जो जीव होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। इसलिए हम कह सकते हैं कि कवक जो होते हैं वो पोषण की दृष्टि से कैसे होते हैं? विषम पोषी होते हैं, स्वपोषी नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? विषम पोषी होते हैं। कवक जो होते हैं वो विषम पोषी भी दो प्रकार के होते हैं, एक परजीवी होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं। मृतोपजीवी वे जीव होते हैं जो अपना भोजन सड़े गड़े मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरे जो जीव होते हैं वो अपना पोषण क्या करते हैं? किससे प्राप्त करते हैं? अवशोषण की क्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी कि कवक जगत के कुछ जीव जो होते हैं वो पोषण अवशोषण के जरिए क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। मैंने आपको बताया कि कवकों की जो संरचना होती है वो धागे नुमा तंतु के समान होती है, जिसे क्या कहते हैं? माइसीलियम, या उसे कवक जाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कवक जाल कहते हैं। कवकों में भोजन का जो संग्रहण होता है वो ग्लाइकोजन और ऑयल्स के रूप में होता है। ग्लाइकोजन और तेलों के रूप में भोजन का संचय कवकों के अंदर होता है। सबसे अंत में मैंने आपको बताई थी जनन के बारे में। कवक जो होते हैं उनमें जनन तीन प्रकार का होता है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। कवकों में कायिक जनन जो होता है वो मैंने आपको बताया था, खंडन, विखंडन और मुकुलन की विधि के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जो होता है वो मुख्य रूप से बीजाणुओं के द्वारा होता है। बीजाणुओं को क्या कहा जाता है? कोनोडिया कहा जाता है। अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? बीजाणुओं के द्वारा होता है। बीजाणुओं को क्या कहा जाता है? कोनोडिया कहा जाता है। आपको हमने बताया है कि लैंगिक जनन जो होता है वो निषिक्तांड, जिसको हम ओस्पोर कहते हैं, निषिक्तांड, ठीक है, चल बीजाणु या आपको एस्कस बीजाणु बोल सकते हैं, और बेसिडियम बीजाणु के द्वारा लैंगिक जनन की क्रिया होती है। ठीक है, तो लैंगिक जनन की जो क्रिया होती है वो निषिक्तांड के द्वारा होती है। दूसरा मैंने आपको बताया, निषिक्तांड के अलावा एस्कस बीजाणु और बेसिडियम बीजाणु के द्वारा लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन हमने आपको तीन प्रकार का बताया। कितने प्रकार का बताया हमने लैंगिक जनन? आपको तीन प्रकार का बताया। पहला मैंने लैंगिक जनन के तीन चरण आपको बताया। पहला जो चरण था उसमें क्या है कि दो चल या अचल, दो चल युग्मक हो सकते हैं या दो अचल युग्मक हो सकते हैं। ये चल और अचल युग्मकों का जो जीवद्रव होता है उसका क्या हो जाता है? संलयन होता है। क्या होता है? दोनों चल और अचल युग्मकों का जीवद्रव का क्या हो जाता है? संलयन हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मोगैमी के नाम से, प्लाज्मोगैमी के नाम से उसे जाना जाता है। दूसरा मैंने बताया दो केंद्रकों के संलयन से। यहां पे क्या होता है कि दो क्या है? बीजाणु होते हैं, या दो चल या अचल युग्मक होते हैं, और इन दोनों के केंद्रक क्या हो जाते हैं? आपस में संलयित हो जाते हैं। ठीक है, तो दोनों के केंद्रक आपस में क्या हो जाते हैं? संलयित हो जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है? कैरियोगैमी, जिसे कैरी यानी कि कैरियोगैमी या केंद्रक संलयन के नाम से उसे जाना जाता है।
तीसरा मैंने आपको बताया है कि जो युग्मनज होता है उसमें अर्धसूत्र विभाजन होता है, अर्धसूत्र विभाजन के फलस्वरूप एकगुणित बीजाणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये लैंगिक जनन के कितने चरण होते हैं, मुख्य रूप से तीन चरण होते हैं। आज हम जो आपसे चर्चा करेंगे वो क्या है, कवक जगत जो है, ठीक है, कवक जगत का हम वर्गीकरण पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई किंगडम, ठीक है। और कवक जगत का वर्गीकरण जो हम करेंगे वो किसके आधार पर करेंगे, कवक जाल के आकार के आधार पर, दूसरा बीजाणु बनने के आधार पर, और तीसरा है फलन काय के निर्माण के आधार पर या फलन काय के बनने की विधि के आधार पर। कवक जगत को चार वर्गों में क्या है, बांटा गया है। देखिए कवक जगत का आज हम क्या करेंगे, वर्गीकरण पढ़ेंगे। किसका वर्गीकरण पढ़ेंगे, कवक जगत का आज हम वर्गीकरण पढ़ेंगे। देखिए आइए, बायोलॉजी क्लास 11th लेसन नंबर 2 जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, और टॉपिक आज का क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई किंगडम कवक जगत का वर्गीकरण। कवक जगत का जो वर्गीकरण किया जाता है वो किसके आधार पर किया गया है, कवक जाल की आकार की के आधार पर। इसके आधार पर कवक जाल की आकार की के आधार पर कि कवक जाल पट्टी युक्त है या पट्टीहीन प्रकार का है। कवक जाल की आकार की के आधार पर, बीजाणुओं के बनने के आधार पर और तीसरा मैंने आपको बताया फलन काय के निर्माण या फलन काय के निर्माण के आधार पर, ठीक है। कवक जाल की आकार की, बीजाणु बनने और फलन काय बनने की विधि के आधार पर जो कवक जगत होता है, फंजाई जगत होता है, उसको मुख्य रूप से चार वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है, चार वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। फोर क्लासेज में क्या है, फंजाई किंगडम को बांटा गया है। पहला हम बात कर रहे हैं फाइकोमाइसिटेज, हिंदी में भी हम आपको ऐसे लिखेंगे फाइकोमाइसिटेज। दूसरा है एस्कोमाइसिटेज। तीसरा है बेसिडियोमाइसिटेज। और तीसरा जो प्रकार है उस पर हम बात कर रहे हैं, चौथा है हमारा ड्यूटीरियोमाइसिटीज, ठीक है। इंग्लिश में हम लिख रहे हैं ड्यूटीरियोमाइसिटीज, ठीक है। तो हम बता रहे थे आपको कवक जाल के आकार की, बीजाणुओं के बनने एवं फलन काय के बनने के आधार पर कवक जगत को कितने वर्गों में बांटा गया है, चार वर्गों में, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और डिट्यूरियोमाइसिटीज के नाम से उन्हें जाना जाता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फाइकोमाइसिटीज के बारे में। देखिए फाइकोमाइसिटीज वर्ग के जो कवक होते हैं वो खास तौर से किस में पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं, ठीक है, फाउंड इन वाटर। किस में पाए जाते हैं, जल के अंदर क्या है ये पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं, फाइकोमाइसिटीज वर्ग के जो कवक होते हैं वो जल में पाए जाते हैं, और इसी कारण से इन्हें क्या कहा जाता है, शैवालीय कवक भी इन्हें कहा जाता है।
तो फाइकोमाइसिटिस को कौन से कवक कहा जाता है? शैवालीय कवक कहा जाता है, एल्गल फंजाई के नाम से इन्हें क्या है जाना जाता है। फाइकोमाइसिटिस को शैवालीय कवक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कवक, इस जगत के जो कवक होते हैं वो जल के अंदर क्या है पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा है, इनके अंदर जो कवक तंतु होते हैं, ये कवक तंतु होते हैं, ठीक है। और कवक तंतु जो होते हैं उनके मध्य में क्या है, पट्ट नहीं पाए जाते हैं। ये तो पट्टयुक्त हो गए, और अगर इस तरीके से पाया जाए तो वो कैसा होगा? पट्टहीन होगा। तो इनके अंदर कवक तंतु कैसे होते हैं? पट्टहीन होते हैं, एसेप्टेट होते हैं। एक का मतलब एब्सेंट, सेप्टेट का मतलब सेप्टा, ठीक है। यानी कि कवक जाल कैसा होता है या कवक तंतु कैसा होता है, इनके अंदर पट्टहीन होता है, ठीक है, एसेप्टेट होता है। देखिए, इस वर्ग के जो कवक होते हैं उनका थैलस कैसा होता है? संकोचकीय होता है। थैलस किस प्रकार का होता है? इनका संकोचकीय होता है, सिनोसेंट्रिक प्रकार का होता है। थैलस कैसा होता है? संकोचकीय होता है, संकोचकीय। संकोशिकी का अर्थ है कोशिका के अंदर कोशिका, ये सिनोसेंट्रिक कहलाएगा, ठीक है। यानी कि एक कवक जाल के ऊपर दूसरा कवक, तीसरा, चौथा, इस तरीके से जाल के अंदर जाल पाया जाता है, ये क्या होता है? थैलस होता है, संकोशिकीय प्रकार। तो फाइकोमाइसिटिस वर्ग के जो कवक होते हैं उनका थैलस कैसा होता है? संकोशिकीय प्रकार का होता है। देखिए, बात करते हैं इनमें अलैंगिक जनन। देखिए, फाइकोमाइसिटिस वर्ग के जो जीव होते हैं उनमें अलैंगिक जनन जो होता है वो खास तौर से चल बीजाणुओं के द्वारा होता है। चल बीजाणुओं को जू स्पोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जू स्पोर भी इन्हें कहा जाता है। अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? चल बीजाणुओं के द्वारा होता है। कौन से बीजाणुओं के द्वारा? चल बीजाणु। कभी कभार क्या होता है, अलैंगिक जनन अचल बीजाणुओं के द्वारा भी होता है। समटाइम कभी कभार कैसे होता है? अचल बीजाणुओं के द्वारा भी अलैंगिक जनन होता है। तो अलैंगिक जनन मैंने बता दिया, अलैंगिक जनन चल बीजाणुओं के द्वारा होता है, कभी कभार, समटाइम कैसा होता है? अचल बीजाणुओं के द्वारा भी अलैंगिक जनन होता है। देखिए, अब बात करते हैं लैंगिक जनन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। लैंगिक जनन क्या है? देखिए, लैंगिक जनन जो होता है, मैं आपको बता दूं, इनमें संयुग्मक होते हैं और विषम युग्मक होते हैं, ठीक है। लैंगिक जनन जो होता है वो संयुग्मक की भी होता है और विषम युग्मक की भी होता है। जिनमें युग्मक कैसे होता है? समान होते हैं, वो संयुग्मक की होते हैं। जिनमें युग्मक आकार और आकृति की दृष्टि से कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विषम युग्मक की होते कहते हैं। तो लैंगिक जनन कैसा होता है? संयुग्मकी होते हैं, अर्थात जिसमें युग्मक जो होते हैं वो आकार की दृष्टि से, आकृति की दृष्टि से कैसे होते हैं? समान होते हैं, वो संयुग्मकी। या फिर कैसे होते हैं? ये विषम युग्मकी होते हैं। कौन से होते हैं? विषम युग्मकी होते हैं, हेट्रोगैमिक, ठीक है, हेट्रोगैमस। यानी कि ऐसे युग्मक जो आकार और आकृति की दृष्टि से कैसे होते हैं? भिन्न होते, वो कैसे होता है? विषम युग्मकी। इसलिए लैंगिक जनन जो होता है वो संयुग्मकी भी हो सकता है और विषम युग्मकी भी होता है। इसके बाद हम बात करते हैं फाइकोमाइसिटिस जो वर्ग है उसको तीन उपवर्गों में क्या है बांटा गया है। फाइकोमाइसिटिस को कितने उपवर्गों में बांटा गया है? तीन उपवर्गों के अंदर क्या है बांटा गया है। फाइकोमाइसिटिस को कितने उपवर्गों में बांटा गया है? तीन उपवर्गों में बांटा गया है। फाइकोमाइसिटिस इज डिवाइडेड इन थ्री सब क्लासेस। उपवर्ग को बोलते हैं सब क्लास, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको सबसे पहला बता रहा हूं, ध्यान से सुनना है, आर्किमाइसिटिस। क्या बोलते हैं? आर्किमाइसिटिस, 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 हम इंग्लिश में लिख रहे हैं आर्किमाइसिटिस। दूसरा है ओमाइसिटिस, ओमाइसिटिस, इंग्लिश में लिख रहे हैं डबल ओ माइसिटिस, ठीक है। और तीसरा होता है, इसको बोलते हैं जाइगोमाइसिटिस। कौन सा बोलता है?
जाइगो माई सिटीज, फाइकोमाइसिटेज को तीन उपवर्गों में बांटा गया है, आर्किमाइसिटेज, ओमाइसिटेज और जाइगोमाइसिटेज के नाम से। देखिए आर्किमाइसिटेज के अंदर जो कवक होता है, ठीक है, आर्किमाइसिटेज जो होता है उनके अंदर जो कवक होता है, मैं आपको बता दूं कवक जाल जो होता है वो अनुपस्थित होता है, ठीक है। माइसीरियम इज एबसेंट इन आर्किमाइसिटीज, तो यहां पे कवक जाल क्या है, नहीं पाया जाता है, कवक जाल क्या है, अनुपस्थित होता है, कवक जाल इनके अंदर नहीं पाया जाता है। और कवक जाल किसमें नहीं पाया जाता, एक विशेष प्रकार का कवक होता है जिनका नाम है सिनकाइट्रियम, 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 ये सिनकाइट्रियम होता है, ठीक है। यह आर्किमाइसिटीज होता है कवक उपवर्ग, इसमें कवक जाल का अभाव होता है और इसका एग्जाम्पल है सिनकाइट्रियम, कौन सा, सिनकाइट्रियम। दूसरा है ओमाइसिटीज के अंदर कवक जाल क्या है, पाया जाता है, इनमें कवक जाल क्या होता है, उपस्थित होता है, जिनमें कवक जाल पाया जाता है वो कौन से हैं, ओमाइसिटीज, ऐसे कवक जिनके अंदर कवक जाल क्या है, पाया जाता है। और दूसरी खास बात क्या है कि इनके अंदर जो जननांग होते हैं, जननांगों द्वारा क्या उत्पन्न होता है, संयुग्मा, ठीक है, जिन्हें ऊ स्पोर कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि जननांगों द्वारा उत्पन्न संयुग्मक, ठीक है, संयुग्मक जो होते हैं वो ऊ स्पोर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जननांगों द्वारा उत्पन्न संयुग्मक ऊ स्पोर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, अर्थात निषिक्त तंत्र का निर्माण करते हैं। मैं इसका एग्जांपल आपको दे दूं, जैसे एल्बुगो होता है, एल्बुगो क्या है, सरसों के अंदर एक रोग उत्पन्न करता है, एल्बुगो कवक जो होता है वो सरसों के अंदर क्या करता है, एक रोग उत्पन्न करता है, सरसों में जो रोग उत्पन्न एल्बुगो कवक के द्वारा किया जाता है उस रोग का नाम है व्हाइट रस्ट डिजीज। ये व्हाइट रस्ट डिजीज जो होती है वो किसके अंदर उत्पन्न की जाती है, सरसों के अंदर होती है, और ये व्हाइट रस्ट डिजीज किसके द्वारा उत्पन्न होती है, एल्बुगो कवकों के द्वारा उत्पन्न होती है। तो ये एल्बुगो कवक है वो ओमाइसिटीज उपवर्ग के अंतर्गत आता है, और ये कवक सरसों में इस रोग को उत्पन्न करता है, कौन सा रोग को उत्पन्न करता है, व्हाइट रस्ट डिजीज, ठीक है, व्हाइट रस्ट डिजीज जो उत्पन्न होती है वो किसके द्वारा होती है, एल्बुगो के द्वारा उत्पन्न होती है। देखिए जाइगोमाइसिटीज के अंदर भी क्या है, मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे कवक जाल क्या है, पाया जाता है, कवक जाल जो होता है वो जाइगोमाइसिटीज उपवर्ग के कवकों के अंदर कवक जाल क्या है, पाया जाता है। इनमें लैंगिक जनन जो होता है वो संयुग्मन की विधि द्वारा होता है, कॉन्जुगेशन की विधि के द्वारा होता है, जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, चल बीजाणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। लैंगिक जनन संयुग्मन विधि द्वारा होता है, जिसके फलस्वरूप चल बीजाणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। क्लियरली बात समझ आ गई कि लैंगिक जनन किसके द्वारा होगा, कॉन्जुगेशन विधि द्वारा, संयुग्मन विधि द्वारा, और संयुग्मन विधि के द्वारा ही क्या होगा, चल बीजाणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे मैं आपको बता दूं राइजोपस, ठीक है, म्यूकर है, मैं म्यूकर का आपको एक डायग्राम बनाकर के यहां दिखा रहा हूं, ठीक है, ये म्यूकर किस में आता है, जाइगोमाइसिटीज के अंदर आता है, ठीक है, हालांकि आपकी किताबों में इसका डायग्राम नहीं है, फिर भी मैं आपको इसका क्या है, डायग्राम बनाकर के दिखा रहा हूं। देखिए इस तरीके से क्या है, ये क्या होता है, इस तरीके से ये क्या है, कौन सा कवक होता है, म्यूकर कवक होता है, और ये म्यूकर कवक किस में आता है, जाइगोमाइसिटीज के अंतर्गत आता है, किस में आता है, जाइगोमाइसिटीज के अंदर आता है। ये इनके अंदर क्या होती है, बीजाणुधानियां होती हैं, ठीक है, ये कवकों के अंदर क्या होती है, एक प्रकार से बीजाणुधानियां होती है, ठीक है, जिनके अंदर चल और अचल बीजाणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। तो अभी तक हमने आपसे बात किया कि कवक
कवक जाल के आकार की बीजाणु बनाने और फलन काय की उपस्थिति के आधार पर कवक जाल का चार वर्गों में बांटा गया है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरियोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज पे हमने अध्ययन किया कि फाइकोमाइसिटीज ठीक है, वर्ग के जो जीव होते हैं या कवक होते हैं वो जल में पाए जाते हैं, इस कारण से फाइकोमाइसिटीज के कवकों को शैवालीय कवक भी कहा जाता है। इनमें कवक जाल कैसा होता है, पट्टीन होता है, एसेप्टेट होता है। थैलस जो होता है वो संकोशी की प्रकार का होता है, सिनोसेंट्रिक प्रकार का होता है। इनमें मैंने बताया कि अलैंगिक जनन चल बीजाणु के द्वारा होता है, कभी कभार अचल बीजाणु के द्वारा भी होता है। लैंगिक जनन जो होता है वो कैसा होता है, संयुग्मकी या विषमयुग्मकी दोनों प्रकार का होता है। उसके बाद हमने बात की थी कि फाइकोमाइसिटीज जो है उसको तीन उपवर्गों में बांटा गया है, आर्किमाइसिटीज, ओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। आर्किमाइसिटीज के अंदर कवक जाल नहीं पाया जाता है, कवक जाल इज एब्सेंट, माइसीलियम इज एब्सेंट इन आर्किमाइसिटीज, जिसका उदाहरण मैंने अभी आपको बताया सिनिकाइट्रियम, सिनकाइट्रियम। ओमाइसिटीज के अंदर कवक जाल क्या है पाया जाता है, और मैंने बताया कि जननांगों द्वारा उत्पन्न संयुग्मन द्वारा ठीक है किसका निर्माण होता है, निषिक्तांड या ऊस्पोर का क्या होता है, निर्माण होता है। इसका एक एग्जांपल है एल्बुगो, और एल्बुगो का मैंने उदाहरण बताया कि एल्बुगो जो होती है वो हमारी सरसों होती है, मस्टर्ड होती है, ब्रैसिका कैंपेस्टिस होती है, उस ब्रैसिका कैंपेस्टिस में व्हाइट रस्ट रोग उत्पन्न करने का क्या करती है, कार्य। लास्ट में आपको बताया जाइगोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज उपवर्ग के जो कवक होते हैं उनमें कवक जाल क्या है पाया जाता है, ठीक है, माइसिलियम इज फाउंड इन जाइगोमाइसिटी। इनमें लैंगिक जनन जो होता है वो संयुग्मन विधि के द्वारा होता है, जिसके फलस्वरूप चल बीजाणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है, जैसे राइजोबस, और दूसरा मैंने आपको बता दिया म्यूकर। और म्यूकर का आप डायग्राम यहां पे देख रहे हो, ये क्या है, म्यूकर नाम का एक कवक होता है, ठीक है। देखिए इसके बाद हम अब बात करने जा रहे हैं एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज पर हम आपसे चर्चा करेंगे। देखिए एस्केमाइसिटीज क्या है, देखो बेटा एस्केमाइसिटीज जो होते हैं इनका आकार थैली के समान होता है, जिस तरीके से थैली होती है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसलिए आपको बता दो एस्केमाइसिटीज कवकों को थैली कवक भी कहा जाता है। एस्केमाइसिटीज कवकों को कौन से कवक कहा जाता है, थैली नुमा कवक भी कहा जाता है। कौन से कवक कहा जाता है, थैली नुमा कवक कहा जाता है, क्योंकि इनका आकार कैसा होता है, थैली के आकार का होता है। मैंने अभी आपको बताया फाइकोमाइसिटीज को क्या कहा जाता है, शैवालीय कवक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है शैवालीय कवक, क्योंकि ये जल में पाए जाते हैं, शैवाल भी किस में पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं। इसी तरीके से एस्कोमाइसिटीज भी क्या होते हैं, थैली के आकार के होते हैं, इसलिए इन्हें थैली नुमा कवक कहा जाता है। इनमें कवक जाल होता है, इनमें जो कवक होता है, कवक तंतु होता है, वो कैसा होता है, पट्टों के अंदर क्या होता है, बटा हुआ होता है। देखिए पट्टे यहां पर दो, ये कवकों के बीच में क्या है, ये पट्ट है, सेप्टम है। तो एस्केमाइसिटीज वर्ग के जो कवक होते हैं उनके अंदर कवक जाल या कवक तंतु कैसा होता है, पट्ट युक्त होता है, पट्ट पाए जाते हैं, सेप्टेट होता है। तो इनके अंदर माइसिलियम कैसा होता है, सेप्टेट होता है। क्लियरली बात सुन आगे होगी। अब बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज के अंदर जनन के बारे में बात करते हैं। जनन में सबसे पहले बात करते हैं अलैंगिक जनन के बारे में। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोमाइसिटीज के अंदर कौन से जनन के बारे में बात कर रहे हैं, अलैंगिक जनन के बारे में बात करते हैं। अलैंगिक जनन जो होता है वो बीजाणुओं के द्वारा होता है, और बीजाणुओं को क्या कहा जाता है, कोनोडिया कहा जाता है। अलैंगिक जनन एस्कोमाइसिटीज वर्ग के कवकों में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, बीजाणुओं के द्वारा होता है, और बीजाणुओं को ही क्या कहा जाता है, कोनोडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोनोडिया कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि एस्कोमाइसिटीज वर्ग के कवकों में
अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कॉनोडिया के द्वारा होता है या फिर बीजाणु के द्वारा होता है। देखिए इनमें लैंगिक जनन के ऊपर हम बात कर रहे हैं। एसके वाई सिटेज के अंदर लैंगिक जनन किस प्रकार का होता है उसको बताने जा रहे हैं। देखिए एसके वाई सिटेज वर्ग के जो कवक होते हैं उनमें लैंगिक जनन जो होता है वो खास तौर से एंथ्रीडिया, किसके द्वारा? एंथ्रीडिया के द्वारा। एंथ्रीडिया को हम क्या बोलते हैं? पुंधानी, ठीक है, और एस्कोगोनियम। पुंधानी और एस्कोगोनियम जैसी संरचना के द्वारा होता है। इस पुंधानी और एस्कोगोनियम से अनेक क्या बनते हैं? एस्कसों का क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है। और इनमें मैं बता दूं आपको, एस्को लैंगिक जनन जो होता है वो पुंधानी, पुंधानी को क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम, एंथीरिडियम के नाम से जानते हैं। और दूसरा है एस्कोगोनियम, एस्कोगोनियम। एंथ्रीडियम और एस्कोगोनियम जैसी संरचनाएं होती हैं। लैंगिक जनन जो होता है वो एंथ्रीडियम और एस्कोगोनियम जैसी संरचनाएं होती हैं, एंथ्रीडियम और एस्कोगोनियम जैसी संरचनाएं होती हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? 8 एस्कस बीजाणुओं का निर्माण होता है। कितने बीजाणुओं का निर्माण होता है? 8 एस्कस बीजाणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है। एंथ्रीडियम और एस्कोगोनियम से 8 एस्कस बीजाणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है। और ये अनेक एस्कस बीजाणु मिल जाते हैं, अनेक एस्कस बीजाणु मिल करके किसका निर्माण करते हैं? एस्कोकार्प का निर्माण करते हैं। एस्कोकार्प का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। एस्कोकार्प का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, ठीक है। और एस्कोकार्प नामक एक फलन काय का यहां पर क्या होता है? निर्माण, ठीक है। तो मैं आपको लैंगिक जनन एक बार फिर बता देता हूं। एस्कोमाइसिटीज के अंदर लैंगिक जनन पुंधानी और एस्कोगोनियम से होता है। एंथ्रीडियम और एस्कोगोनियम के फलस्वरूप 8 एस्कस बीजाणुओं का निर्माण होता है और अनेक एस्कस बीजाणु मिलकर के एस्कोकार्प का निर्माण करते हैं। और एस्कोकार्प क्या होता है? एक फलन काय होता है, अर्थात एस्कोकार्प नामक एक फलन काय का निर्माण यहां पर हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि एस्कोमाइसिटीज को दो उपवर्गों के अंदर क्या है? बांटा गया है। कितने उपवर्गों में बांटा गया है? एस्कोमाइसिटीज को दो उपवर्गों में बांटा गया है, ठीक है। देखो मैं आपको बता दूं, पहला जो है जिसको बोलते हैं यू एस्को माइसिटीज, क्या बोलते हैं? यू एस्को माइसिटीज। और दूसरा है हेमी एस्को माइसिटीज, हेमी एस्को माइसिटीज। हिंदी में भी इसको ऐसे लिखेंगे, अंग्रेजी में भी ऐसे लिखेंगे। एस्कोमाइसिटीज को दो उपवर्गों में बांटा गया है, यू एस्कोमाइसिटीज और हेमी एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। आपको मैं बता दूं इनमें एस्कोजन, ठीक है, कवक तंतु, एस्कोजन कवक तंतु एवं एस्कोकार कवक तंतु क्या है? पाए जाते हैं। एस्कोजन कवक तंतु और एस्कोकार्प इनके अंदर क्या है? पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं। और इनमें जो एस्कोकार्प होता है वो कौन से प्रकार का होता है? इनमें एस्कोकार्प जो होता है वो पेरिथीसियम प्रकार का हो सकता है, एपिथीसियम प्रकार का हो सकता है या क्लेस्टोथीसियम प्रकार का होता है। मैं आपको बता दूं यू एस्को वाई सिटीज में एस्कोकार्प 3 प्रकार के होते हैं, पेरिथीसियम, एपिथीसियम और क्लेस्टोथीसियम के नाम से जाना जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं यू एस्कोमाइसिटीज के अंदर पेरिथीसियम, एपिथीसियम और क्लिस्टोथीसियम प्रकार के क्या पाए जाते हैं? एस्कोकार्प पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जांपल है मोरकेला, मोरकेला, मोरकेला जो है वो यू एस्कोमाइसिटीज के अंतर्गत आता है। देखिए दूसरा है हेमी एस्कोमाइसिटीज। देखिए हेमी एस्कोमाइसिटीज के अंदर एस्कोजन कवक तंतुओं का अभाव होता है और एस्कोकार्प का भी क्या होता है? अभाव होता है। एस्कोकार्प और एस्कोजन बोथ आर एब्सेंट इन हेमी एस्कोमाइसिटीज। हेमी एस्कोमाइसिटीज के अंदर मैंने आपको बता दिया है एस्कोकार्प और एस्कोजन
कवक तंतुओं का अभाव होता है, जैसे सैक्रोमाइसिटिस। सैक्रोमाइसिटिस ये एक विशेष प्रकार का क्या होता है, कवक होता है। जैसे एस्परजिलस, एस्परजिलस का मैं आपको एक उदाहरण यानी कि यहाँ पे डायग्राम बना करके दिखा रहे हैं, देखिए आप यहाँ पे ठीक है, किस तरीके का आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा रहे हैं, ये देखिए आप। इस प्रकार की संरचना जो होती है वो किसकी होती है, आप देख लीजिए, इस प्रकार की जो संरचना होती है वो किसकी होती है, एस्परजिलस कवक की होती है ठीक है। और ये एस्परजिलस कवक जो होते हैं वो किस में आते हैं, एस्कोमाइसिटिस के अंतर्गत आते हैं। तो हमने अभी बात की एस्कोमाइसिटिस पर, एक बार फिर एस्कोमाइसिटिस को रिपीट कर रहे हैं कि इन्हें थैलीनुमा कवक कहा जाता है। नंबर एक बात, ये कवक तंतु जो होते हैं वो पट्टीयुक्त होते हैं, सेप्टेट होते हैं, इनमें अलैंगिक जनन बीजाणुओं के द्वारा होता है जिन्हें क्या कहा जाता है, कोनोडिया कहा जाता है। लैंगिक जनन जो होता है वो पुंधानी के द्वारा होता है, पुंधानी और एस्कोगोनियम के द्वारा होता है, पुंधानी और एस्कोगोनियम से 8 एस्कस बीजाणुओं का निर्माण होता है ठीक है। और ये एस्कस बीजाणु, अनेक एस्कस बीजाणु मिलकर के एस्कोकार्प नामक फलन कायिका का करते हैं निर्माण। क्लियर बात समझ आ गई होगी। उसके बाद हमने आपको बताया एस्कोमाइसिटिस जो होती है उसे दो उपवर्गों में बांटा गया है, यू एस्कोमाइसिटिस और हेमी एस्कोमाइसिटिस। यू एस्कोमाइसिटिस के अंदर एस्कोजन और एस्कोकार्प, एस्कोजन कवक तंतु और एस्कोकार्प ठीक है, ये दोनों क्या है, इनके अंदर पाए जाते हैं। इनमें एस्कोकार्प जो होता है वो पेरिथीशियम, एपिथीशियम और क्लिस्टोथीशियम प्रकार के होते हैं, जैसे मोर के इलाके अंदर पाए जाते हैं। देखिए हेमी एस्कोमाइसिटी जो होते हैं उनमें एस्कोजन और एस्कोकार्प, एस्कोजन कवक तंतु और एस्कोकार्प दोनों का क्या होता है, यहाँ पर अभाव होता है। जैसे सैक्रोमाइसिटीज ये एक विशेष प्रकार का कवक होता है, सैक्रोमाइसिटीज एक विशेष प्रकार का कवक होता है। ये कवक क्या करता है, विभिन्न प्रकार के उत्पादों का, औद्योगिक उत्पादों के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में या अगली हायर क्लासेज में इसके ऊपर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे ठीक है। देखिए ये जो टॉपिक मैं आपको सेकंड चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, यहां पर कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी, आपके मस्तिष्क के ऊपर आप कितना याद रख सकते हैं उस मेमोरी के ऊपर निर्भर करते हैं। और जितना आप इन शब्दों को अंग्रेजी में याद करेंगे बहुत जल्दी इजी गोइंग में आपके शब्द क्या है, याद हो जाएंगे। फाई को माई सिटीज, फाई लगाना है, एस को माई सिटीज, बेसिडियो माई सिटीज, ड्यूटूरियो माई सिटीज ठीक है। तो इसका आपको बहुत ही ऐसी कोई ज्यादा कॉम्प्लिसिटी नहीं है जो आप याद नहीं कर सकते, बहुत ही इजी है जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं ठीक है। देखिए टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ एंड बी हैप्पी एट योर होम, थैंक्स वेरी मच।